अरे वाह, इतनी सारी कैंडी, वो भी अलग अलग खुशबू और स्वाद वाली। आपको भी बहुत पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा बच्चों, आपको पता है ये जो अलग अलग खुशबू और स्वाद वाली कैंडी होती हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें असली फलों की वजह से हो। बच्चों, इनमें अलग अलग प्रकार के खुशबू और स्वाद लाने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम एस्टर कहते हैं। बच्चों, ये एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्लों की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहलों से क्रिया के द्वारा बनते हैं, जिसका रासायनिक समीकरण आपके सामने है। तो चलो, आज हम इसी प्रकार का एक एस्टर बनाते हैं। इसके लिए हमें कुछ रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमने लिया है एथेनोइक एसिड, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, साथ ही हमें चाहिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जलीय विलयन। अब हम क्या करेंगे, इस एथेनोइक अम्ल में सबसे पहले कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देंगे। ये डाल दी हमने। अब इसके बाद इस विलयन को हम अल्कोहल के विलयन में मिला देते हैं। अब बच्चों, इसे हमें लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। इसके लिए मैंने इस बीकर में पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसे इसके अंदर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। ये धीरे धीरे गर्म होगा। बच्चों, जैसे ही ये 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम इसे इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन में उलट देंगे। बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एस्टरीकरण की अभिक्रिया होगी, उसके बाद हो सकता है कुछ मात्रा में एथेनोइक अम्ल शेष बचे, तो उसका उपयोग करने के लिए हम इसको इसमें डालते हैं, जिससे एथेनोइक अम्ल इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कर लेता है। देखिए, हमारा विलयन लगभग तैयार हो गया है। अब हम इसे बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन में डालते हैं। देखिए, एथेनोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच क्रिया हो रही है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हुई दिखाई दे रही है। जब पूरी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, अब हम देखते हैं। बिल्कुल खट्टी मीठी फलों जैसे खुशबू आ रही है, बिल्कुल नाशपाती की तरह। क्योंकि बच्चों, जब एथिल अल्कोहल और एथेनोइक अम्ल की क्रिया होती है, तो जो एस्टर बनता है, उसकी खुशबू और स्वाद नाशपाती की तरह होती है।